हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 29 अप्रैल 2022, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डी ट्रिपल एस बी के द्वारा अभी अभी 5 नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कि 2 बड़े रिजल्ट यहाँ अनाउंस किए गए हैं और साथ ही रिजेक्शन और कैंसिलेशन के भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट है, साथ ही साथ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अभी के अभी जस्ट वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। और फ्रेंड्स, हमारे थ्रोट की कंजक्टिविटी के बारे में हमने आपको बताया ही हुआ है, प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स गले के इन्फेक्शन की वजह से आप लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ रही होगी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो आइए हम नोटिस को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट है 29 अप्रैल 2022 की, रिजल्ट नोटिस नंबर है 1446, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पोस्ट कोड है 10/21, DTTE की ये वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अपडेट तो जस्ट अभी की है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नोटिस हमारा डाउनलोड हो चुका है, इस पर डेट ये कल की मेंशन की गई है, बट ये अपडेट अभी अभी किया गया है। रिजल्ट नोटिस नंबर है 1446, पोस्ट हम आपको बता चुके हैं, पोस्ट कोड है 10/21। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए टोटल 2 वैकेंसी थी, एक थी एससी की और एक थी एसटी की। तो ये यहाँ पर इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ भी देख लीजिएगा क्या कुछ रही है। कट ऑफ यहाँ 200 मार्क्स में से बनाई गई थी। एससी की जो कट ऑफ है 83.25 रही है, एसटी की कट ऑफ है 91.75। और फ्रेंड्स, वेटिंग पैनल लिस्ट भी यहाँ पर बनाया गया है। वेटिंग पैनल लिस्ट में आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है जिनका कि यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, एससी कैटेगरी का है ये भी, और ये एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है जिनको कि वेटिंग पैनल लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है, रोल नंबर यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है। और वेटिंग पैनल लिस्ट की जो कट ऑफ है 200 मार्क्स में से बनाई गई है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 76.75, एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 90.50। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रही है। और आइए सेकंड नोटिस को अब हम देख लेते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी आज की अभी की जस्ट अपडेट है। ये रिजल्ट नोटिस नंबर है 1448, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, अंडर पोस्ट कोड 11/21, DTTE ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी टोटल 2 वैकेंसी थी, जिसमें कि एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। तो यहाँ पर 76 कैंडिडेट थे जो कि अपीयर हुए थे, 10 कैंडिडेट थे जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, इनको ई डोजियर अलाउ किया गया था अपलोड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट है एक जनरल कैटेगरी का, एक ओबीसी कैटेगरी का, और जिनका सिलेक्शन हुआ है ये कैटेगरी वाइज रोल नंबर दे दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का ये कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर ये दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर ये मेंशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और कट ऑफ देख लीजिएगा आप क्या कुछ रही है इसकी। कट ऑफ 200 मार्क्स में से बनाई गई है, जनरल की जो कट ऑफ है 105.75 रही है, ओबीसी की कट ऑफ 97.50 रही है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी यहाँ पर बनाया गया है, और वेटिंग पैनल लिस्ट फ्रेंड्स 1 ईयर तक वैलिड होता है, और जो टोटल वैकेंसीज होती है उसका 20% इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का एक कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है वेटिंग पैनलिस्ट में, ओबीसी कैटेगरी का ये एक कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर वेटिंग पैनल लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है। वेटिंग पैनल लिस्ट की जो कट ऑफ है 200 मार्क्स में से बनाई गई, ये भी जनरल की जो कट ऑफ है 104.50 रही है, और ओबीसी की जो कट ऑफ है ये 93.25 रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों की वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ रही है। तो देखिए, जब भी कोई रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके साथ ही रिजेक्शन के नोटिस भी जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके रिजेक्शन नोटिस भी जारी किए गए हैं, उनको भी आप देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रिजेक्शन नोटिस नंबर है 1449, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, पोस्ट कोड है 11/21। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये एक कैंडिडेट है जिनका कि कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ई डोजियर ही अपलोड नहीं किया था गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा नोटिस भी हम देख लेते हैं, ये भी रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है। 2 रिजल्ट आज अनाउंस किए गए हैं, तो दोनों के ही रिजेक्शन नोटिस भी साथ के साथ बता दिए गए हैं। नोटिस नंबर है 1447, टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पोस्ट कोड है 10/21।
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये तीन कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर ये दिए गए हैं और रिमार्क्स में वजह बता दी गई है जिस वजह से इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने देखिए ई डोजर ही गिवन टाइम पीरियड में अपलोड नहीं किया था। ओके फ्रेंड्स, तो एक नया नोटिस और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी कैंसिलेशन के रिगार्डिंग है। तो आज फ्रेंड्स डीटर प्लस भी का अगर कहें तो खट्टा मीठा रिजल्ट इन्होंने दिया है, क्योंकि जहाँ पर खुशी दी है रिजल्ट अनाउंस किए हैं वहीं पर ये रिजेक्शन तो साथ ही चलते ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट है जिनका डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये बता दी गई है। फादर नेम इनका दे दिया गया, रोल नंबर दे दिया गया है, एड्रेस भी बता दिया गया है, रिमार्क्स में वो वजह बता दी गई है जिस वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्टेटस दे दिया गया है कैंडिडेट का, तो ये रिमार्क्स में वजह बता दी गई है फ्रेंड्स किस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि डीटर प्लस बी के द्वारा अभी अभी जारी की गई है। हालांकि हमारा थोड़ा गला खराब है फ्रेंड्स, लेकिन अपडेट हमने आपको साथ के साथ ही प्रोवाइड करा दी है। और फ्रेंड्स साथ ही हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, देखिए ये जो 5 नोटिस नए जारी किए गए हैं ये अभी के अभी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये रिजल्ट नोटिस नंबर है 134 पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये रिजल्ट कल अनाउंस किया गया था और इसका रिजेक्शन नोटिस भी साथ के साथ अनाउंस कर दिया गया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। और साथ ही ये रिजेक्शन नोटिस नंबर है 131, पोस्ट कोड है 39/21, टीजीटी सोशल साइंस मेल की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ये अपडेट कल जारी की गई थी। और इसी का फिर रिजल्ट नोटिस है 132, पोस्ट कोड है 39/21, टीजीटी सोशल साइंस मेल। तो फ्रेंड्स ये कल 4 नए नोटिस जारी किए गए थे, अगर आप लोगों ने ये रिजल्ट नहीं देखा है तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। और इसकी डिटेल वीडियो हम ये सारे जो नोटिस रीडर प्लस बी के द्वारा रिलीज किए गए हैं सारे रिजल्ट एक साथ कंबाइन करके एक पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जिस भी कैंडिडेट की कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो वो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और वो भी उसका बेनिफिट ले सके। और बाकी की जो भी अपडेट थी फ्रेंड्स यहाँ तक ये सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक की बस यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि डीटर प्लस बी के द्वारा अभी अभी रिलीज की गई थी और जिसे हम साथ के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीट प्लस बी की डीओई की केवीएस एनवीएस एंड ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू सो मच।